फ्राइड चिकन बनाना सिखाती हूँ। लेकिन इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दें और साथ जो छोटा सा बेल का आइकॉन है उसे भी हिट कर दें। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करें। यहाँ मैंने तकरीबन 5 चिकन के पीस ले लिए हैं और इस तरह उसे कट लगा लिए हैं। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1 कप योगर्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ऑरेंज फूड कलर 3 पिंच, अजवाइन 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 2 टेबलस्पून, सौंफ का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून, 5 से 6 लेमन स्क्वीज करके उसका जूस निकाल लिया मैंने। अब हम चिकन पीसेस को मैरिनेट करते हैं। एक बाउल में सबसे पहले दही डाल दें, सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस, लेमन जूस, इन सबको एक दफा मिक्स कर लें। जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, इन सबको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करके एक एक पीस को अच्छी तरह इसमें डिप करके इतनी अच्छी तरह कि इसको मसाला लग जाए। सबको अच्छी तरह इसमें डिप करके 5 से 6 घंटों के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रख दें। मैक्सिमम 5 से 6 घंटों की मैरिनेशन लाजमी करें। मैरिनेट करने के बाद पीसेस को एक पतीली में डाल दें, ये सारा मसाला भी इनके ऊपर डाल दें। 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे कुक करें। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने से पहले एल्युमिनियम फॉइल का एक छोटा सा ऐसा बाउल बना लें, इसे यहाँ सेंटर में रख दें, कोयला दहका कर यहाँ रख दें, ऑयल डालें और फौरन इसे कवर कर दें। इसे 5 मिनट ऐसे ही कवर रखें ताकि कोयले का धुआं भी इसमें एक स्मोकी टेस्ट दे दे। कढ़ाई में ऑयल डाल के एक एक करके ये पीस फ्राई कर लें। मैं यहाँ सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। जब ये कलर आ जाए तो इसे डिश आउट कर लें।
अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। ये देखें व्यूअर्स, स्मोक चिकन फ्राई बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।